रियासत महाराष्ट्र के जलगांव में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुसलमान तालिब इल्म के साथ पेश आने वाले वाकये और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाज किया गया है। गुज़िश्ता दिनों मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति त्यागी को गैर मुसलमान तालिब इल्मों को एक मुसलमान तालिब इल्म को तमाचा रसीद करने के लिए उकसाते हुए देखा गया है। स्कूलों में तो असातिज़ा तुलबा को इंसानियत, एक दूसरे के मजाहब का अदब व एहतराम और भाईचारे का दर्स देते हैं, लेकिन नेहा पब्लिक स्कूल में पेश आने वाले वाक़े ने असातिज़ा की छवि को दागदार कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुल्क भर के मुसलमानों और सेक्युलर हिंदुस्तानियों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है और वो इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव के मुसलमान भाइयों ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिला कलेक्टर के जरिए एक मकतूब रवाना किया है और तुलबा के जहनों को आलूदा करने, एक दूसरे के खिलाफ व नफरत भड़काने की कोशिश करने वाली प्रीति त्यागी को सख्त से सख्त सजा देने की दरख्वास्त की है। एक बच्चे के साथ में जो इस तरीके का व्यवहार करती हैं कि हिंदू बच्चों के जरिए से मुस्लिम बच्चे को जो है वो मार खिलाती हैं, उसको जो है चाटे मारती है, और जब चाटे मारने से भी उसका दिल नहीं पड़ता तो फिर पीठ पर जो है वो मारने के लिए कहती है। एक ऐसा जो है हमारा जो है हाल इस भारत देश का हो चुका है। ये भारत देश जिसको आज जो है विज्ञान की जरूरत है, ये भारत देश जिसको आज जो है आगे लेकर जाने की जरूरत है, यहाँ पर ऐसे टीचर्स की जरूरत है जो बच्चों के जहन से जो है ये जातिवाद को निकाल कर उनके अंदर मोहब्बत के फूल भरे। एक ऐसा देश जहाँ पर जो है टीचर्स को जरूरत है कि ऐसे बच्चे के दिमागों के अंदर जो है वो मोहब्बत के गीत गाए, मगर हम देख रहे हैं कि किस कदर जो है वो बेहद जो है बदतरीन तरीके से बच्चों के दिमागों को ख़राब किया जा रहा है। मेरी जो है हम तमाम जो है अलग अलग फाउंडेशन के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, हम जो है हमारे फाउंडेशन के जरिए से जो है कलेक्टर साहब मेमोरेंडम दे रहे हैं कि उस टीचर पर जो है कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला मामला जो है हमारे भारत देश में हुआ जो सामने आया। ऐसे कई मामले होंगे जो सामने नहीं आया होंगे।